कुख्यात गैंगस्टर अमित भूरा को देहरादून पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा सुनील राठी की कोर्ट में पेशी हुई। सुनील राठी पर देहरादून पुलिस कस्टडी से असलाह लूटकर गैंगस्टर अमित उर्फ भूरा को छुड़ाने का आरोप है। साल 2014 में सुनील राठी के इशारे पर गैंगस्टर अमित उर्फ भूरा को यूपी के बागपत जिले से पुलिस कर्मियों की आंख में मिर्ची स्प्रे डालकर छुड़वा लिया गया था। इस पूरे मामले में दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना की भी संलिप्तता सामने आई थी। शामली के गांव सरनावली निवासी गैंगस्टर अमित उर्फ भूरा पर कई दर्जन मामले दर्ज है। बागपत के एक मामले में देहरादून पुलिस 15 दिसंबर 2014 को बागपत अदालत में पेशी पर लेकर आ रही थी। दिल्ली सहारनपुर हाईवे 709B पर बागपत नगर के एक स्कूल के पास से स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर कुछ बदमाशों ने पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्ची स्प्रे डालकर 2 AK-47 और 1 SLR लूटकर अमित भूरा को छुड़ाकर ले गए थे। पुलिस को जांच से ये मालूम चला था कि हिस्ट्री शीटर सुनील राठी के इशारे पर अमित को पुलिस कस्टडी से छुड़ाया गया है। केस अदालत में फिलहाल विचाराधीन है। सोमवार को इस मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल से हिस्ट्री शीटर बदमाश सुनील राठी को पुलिस कड़ी सुरक्षा में पेशी पर लेकर बागपत आई। ADGC अनुज ढाका ने इस पूरे मामले में कहा है कि इस केस में सुनील राठी की कोर्ट में पेशी हुई है। कचहरी में चप्पे चप्पे पर पुलिस और PSA तैनात रही। डॉग स्क्वाड ने भी भ्रमण किया। खुफिया तंत्र को भी सक्रिय रखा गया था। वैसे आपको बता दें कि कस्बा टीकरी निवासी सुनील राठी पूर्व चेयरमैन राजबाला चौधरी का बेटा तथा दोघट थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। घरेलू झगड़ों से हथियार उठाकर सुनील राठी ने कई हत्याओं को अंजाम दिया। उसके खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला, रंगदारी, धमकी, गैंगस्टर समेत कई धाराओं के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। हत्या के केस में सुनील राठी को आजीवन कारावास की सजा भी हुई है। 9 जुलाई 2018 के सुबह बागपत जेल में भी पूर्वांचल के माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। सुनील राठी ने पुलिस के सामने ही बजरंगी की हत्या करना स्वीकार किया था।